अब नॉमिनी किसे कंसिडर करते हैं, आइए देखते हैं। ही ऑब्लिक शी, वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, इज द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द पॉलिसी होल्डर टू हुम द सम अशोर्ड अंडर द इंश्योरेंस प्लान विल बी पेड बाय द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन केस ऑफ एन अनफॉर्चुनेट इवेंचुअलिटी। देखिए, जब इंश्योरेंस लेने के लिए, लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए अगर कोई इंडिविजुअल जाता है, तो जो पॉलिसी, जो भी फॉर्म, प्रपोजल फॉर्म होता है ना, उसमें एक नॉमिनी का नाम भरना पड़ता है। नॉमिनी वो लीगल हेयर होता है, मतलब ही और शी वो खुद का, मतलब ऐसा इंडिविजुअल होता है जिससे आपका, मतलब एक डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये होता है हस्बैंड या वाइफ का रिलेशन हो या ब्लड रिलेशन हो, दैट इज योर लीगल हेयर्स, ठीक है। और उसे आप नॉमिनेट करते हो, एक पॉलिसी होल्डर नॉमिनेट करता है उस व्यक्ति को, जब कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए पॉलिसी होल्डर के साथ, तो जिस व्यक्ति को इंश्योरेंस कंपनी सम अशॉर्ट का जो पैसा देगी उसे नॉमिनी कंसीडर करते हैं। मतलब समझ रहे हैं, मतलब यह है कि अगर कोई इंडिविजुअल अपना लाइफ का इंश्योरेंस कराता है, तो अगर उसकी डेथ हो जाएगी, तो ये जो सम अशॉर्ड का जो धनराशि है जो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, वो किसको पे करेगी? तो जिसको पे करेगी वो पॉलिसी होल्डर नाम लिख देता है अपने इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट में, उसी को नॉमिनी कंसीडर करते हैं, ठीक है। आगे बढ़, अगर इसमें एक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि अगर नॉमिनी 18 ईयर्स से कम है, तो उसके लिए एक अपॉइंटी को अपॉइंट किया जाता है। किसे अपॉइंट करते हैं? एक अपॉइंटी को अपॉइंट किया जाता है अगर 18 साल से कम उम्र का नॉमिनी है। लेकिन अगर 18 की एज से ज्यादा का अगर नॉमिनी है, तो फिर उसी का नाम दे दिया जाता है।